नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार, आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास। बेटा, कल के जो हमने चैप्टर किया था, चैप्टर चल रहा था आपका मानव जनन, हमने उसमें क्या पढ़ा है कि हम पढ़ रहे हैं बेटा नर जनन तंत्र के बारे में। तो मेरे बच्चों, नर जनन तंत्र आप समझ गए थे, मैंने कुछ आपको लिखवाए थे कुछ अंगों के नाम, ये वाला देखेंगे बेटा, कल की बात है। मानव जनन तंत्र हम पढ़ रहे थे कि हम जनन अंग दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राथमिक अंग होते हैं और द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं, ये पता है आपको। अब प्राथमिक का आपका नया हेडिंग चला था इसके बाद में, नर जनन तंत्र का या नर जनन अंग का। अब नर जनन तंत्र में हमने क्या पढ़ा था कि भैया कुछ अंग होते हैं इनके मुख्य मुख्य, हमने ये लिखे आपके कि वृषण कोष, एक जोड़ी वृषण और एक जोड़ी अधिवृषण, एक जोड़ी शुक्रवाहिनियाँ, मूत्रमार्ग, शिशन और सहायक ग्रंथियाँ, ये तीनों। ठीक है, ये सारा लिखने के बाद में बेटा हमने पूरा किया था आपका कि वृषण कोष की क्या रचना होती है। हमने बताया था आपको कि जो मेल होता है, जो नर होता है, उसके दोनों पैरों के बीच में एक थैली के समान रचना होती है, उसको आपने क्या कहा था, वृषण कोष या स्क्रोटम कहा था। अब जो इसके मेन चीज़ है, जो इसके प्राथमिक अंग है, यानी कि जो सीधे डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस चीज़ में, वो क्या है आपके, वृषण। तो आपका अगला हेडिंग क्या रहेगा, वृषण। अब इससे पहले एक बात और सुनेंगे बेटा, इससे पहले आपको डायग्राम मैंने भेज दिया था, शायद बना लिया हो आप सब ने, आपको समझना है। तो को डायग्राम क्या समझना है मैं बता दूँ आपको, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और डायग्राम सभी को आना भी चाहिए। एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखो जैसे कि सपोज करो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इस तरीके से करके ये, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी ही है, आपको समझना पड़ेगा बस। ये ऊपर क्या है आपका, पेशाब की थैलियाँ, निमूत्राशय है। देखो ये जो ऊपर किडनी होती है पेट में आपके, वहाँ से आपके दो आते हैं, मूत्रवाहिनी या यूरेथर निकल के आते हैं, इनको आप कहते हैं मूत्रवाहिनी। ये आपके क्या काम है इनका, ये जो आपका ब्लड प्योरीफाई होता है, ब्लड साफ होता है या उसका निसंदन होता है आपकी किडनी के अंदर, तो वहाँ से ये जो छना हुआ यूरिन होता है, मूत्र होता है, उसको लेके आती हैं और यहाँ पे आपका क्या रहता है, ये मूत्राशय रहता है, तो मूत्राशय में ला के छोड़ती रहती हैं। अब हम बात करते हैं मेन चीज़ की। देखो ये पूरा क्या है, एक ये मान लो पैर हैं दोनों के, ये बीच में एक थैली का समान रचना है और यहाँ पर पूरा क्या है, वृषण कोष है। क्या है, वृषण कोष होता है बेटा। वृषण जो होते हैं, देखो ये तो बात ध्यान रख होगी आपको कि वृषण छोटे बच्चे में नहीं होते हैं, मतलब होते हैं ये, इनकी जो जो ये बनते हैं शरीर में, जब बच्चा भ्रूण के अंदर होता है तो किडनी के जस्ट नीचे बनते हैं, और यहाँ पे जो एक कैनाल होती है जिसे बोलते हैं हम वक्षण नाल, वक्षण नाल हमने बताया था पिछले चैप्टर में आपको, उस नाल के द्वारा ये बाहर जन्म से पहले ही बाहर की ओर धक्का धकेल दिए जाते हैं, जिससे कि ये वृषण कोष में आकर स्थित हो जाते हैं। वृषण कोष दो भागों में बटा होता है विभाजक पट्ट के द्वारा, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, ये तो पता है ना सबको। अब हम क्या करें कि देखो ये जो चीज़ है ये क्या है आपकी, वृषण है। क्या है ये, वृषण है बेटा। इसके ऊपर जो एक रचना हो, जिससे चारों ओर से लगभग तीन ओर से घिरे हुए है, ये क्या है आपका, ये आपका है भैया एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस कहेंगे या हम कहेंगे इसको अधिवृषण, अधिवृषण, या इसको कहते हैं एपिडिडाइमस। ठीक है बेटा, इसके ऊपर जो लगी हुई है। अच्छा, एपिडिडाइमस ये पता पड़ गया आपको। एपिडिडाइमस के बाद में ये जो ये होती है, ये होती है आपकी शुक्रवाहिनी, इसके द्वारा शुक्राणु ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद में शुक्राणु और यूरिन जो है आपका एक ही नली के द्वारा बाहर आता है। जो मेल होता है, नर होता है, वो चाहे अपना सीमन रिलीज करे या फिर वो अपना मूत्र को छोड़े, मूत्र त्याग करे, तो वो दोनों एक ही नली या एक ही नली के द्वारा होते हैं।
तो ये दोनों कॉमन पैसे शेयर करते हैं, बट एक बार में एक ही चीज़ शेयर होगी, दो चीज़ें नहीं हो सकती हैं दोनों एक साथ में। या तो आपका सीमन ही बाहर निकलेगा इस नली के द्वारा, या फिर आपका मूत्र ही बाहर निकलेगा, ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो ये आप वृषण है पूरा, ये आपका अधिवृषण हो गया। अधिवृषण के बाद में शुक्रवाणी है, और शुक्रवाणी आपकी मिलके ऊपर आती है, और यहाँ पे कौन सी होती हैं आपकी, यहाँ पे ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे कि आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। अब बेटा प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद में एक पास में एक ग्रंथि और होती है, जिन्हें बोलते हैं काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल। काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल, काउपर या बल्बो यूरेथ्रल, कल हमने लिखवा दिया है आपको, ठीक है। वही इसके जस्ट नीचे प्रोस्टेट के पहले ऐसे फैली हुई दो ग्रंथियाँ और लगी होती हैं, इसे बोलते हैं शुक्राशय, इन्हें कहा जाता है शुक्राशय। ये कुछ डायग्राम मैंने कल आपको फोटो भेजा था, आपने बना लिया होगा, समझ पा रहे, तो मैं आपको बुक का ही दिखा देता हूँ सिंपल। ये देखेंगे बेटा, यहाँ समझेंगे थोड़ा सा, यहाँ फोकस करेंगे। देखो ये पूरा क्या है आपका, ये जैसे आपका इधर वाला टेस्टी यानी कि वृषण हो गया, और ये वृषण है, ये वृषण को यहाँ पर काट के दिखाया अंदर से कि वृषण के अंदर क्या है। वृषण बड़े बहुत सारे खंडों में बटा होता है, या पिंडक में बटा होता है, लगभग 250 होते हैं, 250 से 300 400 हो सकते हैं। तो एक कक्ष बने होते हैं वृषण के अंदर, जिसके अंदर ये कक्ष हो गए। अब कक्ष के अंदर क्या होता है, वृषण जालक होता है, जाल बना रहता है, यह जाल मिलके ऊपर की ओर यहाँ नली में आके खुलता है, जिसे बोलते हैं शुक्रवाहिका, याद रखेंगे वाहनी नहीं, शुक्रवाहिका बोलते हैं। और शुक्रवाहिका जाके खुलती है आपकी अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमस में, जो अधिवृषण आपके ये वृषण को चारों ओर से घेरे रहता है। और फिर ये अधिवृषण सीधा होकर यहाँ से शुक्रवाहिनी में जाके शुक्रवाहिनी बनाता हुआ सीधा आपके शिशिन वाले रास्ते पे आ जाता है। अब शिशिन वाले रास्ते पे आने से पहले देखो ये क्या, ये मूत्राशय है, और ये जो जो दो चीज़ें आपको दिख रही हैं ये आपकी शुक्राशय हैं। तो शुक्राशय, अब सीमन का जो फॉर्मेशन होता है बेटा वो यहाँ पे होता है। देखो सीमन क्या चीज़ है, जो सीमन है या वीर्य है मेल का, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका प्लाज्मा होता है और प्लस उसके अंदर कोशिकाएं होती हैं। कोशिका कौन सी होती हैं, शुक्राणु कोशिकाएं। तो शुक्राणु देखो बन तो यहाँ रहे हैं, मैच्योर भी यहीं हो रहे हैं, परिपक्व उनका यहीं हो रहा है, स्टोर भी वो यहीं हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि शुक्राणु देखो मेल के अंदर बनते तो लगातार हैं, दिन रात बनते ही रहते हैं, पर वो हर वक्त रिलीज नहीं होते। रिलीज कब होते हैं, जब वो व्यक्ति किसी साथ मीटिंग करेगा, मतलब कि मैथुन करेगा या सेक्स करेगा, तो उस टाइम पे वो रिलीज होते हैं। तो यहाँ से रिलीज होते हैं, और यहाँ से ये जो शुक्राशय और एक ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि है आपकी, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि है, इन तीनों ग्रंथियों में एक सीमन का वाइट सफ़ेद रंग का फ्लूड बनता है, जिसे आप सीमन कहते हैं, उसमें जाके मिलते हैं। तो उसके द्वारा ये शरीर से बाहर निकलता है। उस सीमन में होता क्या है, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, मतलब उसमें जो सारी चीज़ें होती हैं वो सहायता करती हैं कि शुक्राणु को ज़िंदा रखें, उसको नरिशमेंट दें, उसको पोषण दें, और वो आसानी से जो योनि है मादा की उसमें आसानी से प्रवेश करके स्थानांतरण कर सके। तो ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। देखो ये क्या है, वृषण हो गया, इसके अंदर क्या होते हैं, पिंड बने होते हैं बहुत सारे। पिंड के अंदर क्या होते हैं वृषण, इसे क्या कहते हैं, वृषण जालक कहते हैं। इसके अंदर ही शुक्रवाहिका होती हैं, शुक्राणु यहीं तो बनते हैं, यहीं बनने के बाद में अधिवृषण से होते हुए। जी बेटा, हाँ तो बच्चों कुछ नहीं, वो बेटे आ गए थे, बेटी आ गई थी ना बीच में। हाँ तो बेटा क्या हुआ था, वृषण जालक, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, ये वाला अधिवृषण, और इसमें होता हुआ शुक्रवाहिनी के थ्रू होता हुआ ये आपके पूरे बाहर निकल आते हैं। शुक्रवाहिनी आके खुलती है आपके शुक्राशय से, इसमें सीमन मिलता है, यहाँ से प्रोस्टेट ग्रंथि है ये आके मिलती है, और ये बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, इसमें से कुछ फूड निकलेगा वो मिलेगा, और ये मूत्र मार्ग के थ्रू आप इसी नर जो है आसानी से सीमन को बाहर निकाल देता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा था बेटा नसबंदी, जो पुरुषों में नसबंदी होती है उसमें क्या होता है, ये शुक्रवाहिनी को काट के हम बांध देते हैं, यहाँ से इसको कट किया, कट करके इसमें गांठ लगा दी। तो उसमें क्या होगा, देखो सीमन तो बनता है उस आदमी का, सीमन तो निकलेगा, बट उस सीमन के अंदर शुक्राणु नहीं होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उससे वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो हमारा मेन मतलब समझना है क्या है, कि हमको पूरा ये सिस्टम तंत्र पढ़ना है, क्या है ये व्यक्ति का क्या है, शिशिन है, शिशिन के अगले भाग को शिशनाग्र कहते हैं, शिशिन का अग्र जहाँ से
अब नर जो होता है अपनी स्किन को वहाँ से हटा सकता है आसानी से, जो कैप बोलते हैं नॉर्मली भाषा में, तो ये क्या शिशनाग्र है बेटा, शिशन का अगला भाग शिशनाग्र कहलाता है। इसमें शिशन के अंदर बेटा स्पंजी ऊतक होते हैं, स्पंजी मतलब छोटे हो सकते हैं, जैसे में से ब्लड भरेगा तो बड़े हो जाएंगे, तो इस स्पंजी ऊतक का बना हुआ शिशन होता है, जो कि आसानी से जो कि सहायता करता है नर को, नर और मादा के बीच में, कि वो आसानी से अपने स्पर्म को या सीमन को अंदर इजेगुलेट कर सके, यानी कि रिलीज कर सके या वहाँ पर उनका छोड़ सके। तो हमको पढ़ना क्या है, हमने ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम को वृत्त पे बना कर देखो बेटा 2 से 3 बार, इसको लेबलिंग करो, इसको नाम लिखो बार बार। लेबलिंग करेंगे तो फिर हम नंबर वाइज आप समझ जाएंगे कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने सिर्फ पढ़ा है ये पूरा इसमें स्थित होते हैं, हमने पढ़ा है आपका वृषण कोश जिसके अंदर ये दोनों वृषण स्थित होते हैं। आपने पढ़ा कि वृषण कोश जो होता है एक थैली समान रचना है, शरीर से बाहर स्थित होती है, और ये बाहर स्थित क्यों होती है, क्योंकि वृषण के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं उनके निर्माण के लिए हमको 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए होता है, इसलिए शरीर से बाहर होती हैं। कभी कभी सर्दियों में तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो तापमान को नियमित रखने के लिए या मेंटेन करने के लिए यह वृषण कोश जो है छोटा हो जाता है और शरीर के पास पहुंच जाता है बिल्कुल, जिससे कि इसको आवश्यक तापमान ऊपर से मिल सके और शुक्राणु लगातार निर्माण हो सके। तो उस तरीके का समझ पाए। अब हमको जो मेन चीज़ पढ़नी है, अब आज का जो टॉपिक आपका वो हमारा वृषण रहेगा, वृषण यानी कि टेस्टिस, ये वाली पार्ट हमको पढ़ना है, और इसके अंदर क्या चीज़ें हैं सारी, वृषण पिंडक क्या होते हैं, जालक क्या है, शुक्रवाहिका कहाँ है, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। तो बेटा ये डायग्राम सब बना लेंगे, जिससे नहीं आ रहा है बेटा वो भैया ड्राफ्ट लेके उसे बनाएंगे, कॉपी में तो बनेगा आपकी, फेयर नोटबुक में तो बनेगा ही बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, रफ में बना के देखेंगे। अब ये कुछ मोटा मोटी मैंने समझा दी आपको, ठीक है। अब आपको डालना है अपना हेडिंग, इसमें अगला हेडिंग कौन सा था आपके अंगों में, अब है आपका एक जोड़ी वृषण। आप पूरा लिख लीजिए बेटा ऐसे ही, एक जोड़ी वृषण, या केवल वृषण भी लिख सकते हैं। अगर केवल वृषण लिखेंगे तो आप आगे क्या लिखेंगे कि ये एक जोड़ी होते हैं, सिंपल सी बात है ना, समझ के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये होते क्या है कि ये कितने, मैंने बताया कि 4 से 5 सेंटीमीटर तो लंबे होते हैं, 4 से 5 सेंटीमीटर बेटा लंबे होते हैं, और 2.5 सेंटीमीटर मोटे मैंने कल बताया, और लगभग 20 से 25 ग्राम इनका वेट होता है, वजन होता है, और ये गुलाबी रंग के होते हैं, गुलाबी रंग के अंडाकार होते हैं, ठीक है। शिशुवस्था में तो मैंने बताया कि ये आप अंदर किडनी यानी वृक्कों के पास स्थित होते हैं, परंतु जैसे ही व्यस्क नर होता है तो उसमें ये बाहर निकल आते हैं, आ तो पहले ही जाते हैं जन्म के पास में ही, लेकिन फिर भी ये प्रॉपर तरीके से जो आते हैं वो व्यस्क होने पर आते हैं। अब हमको जो पढ़ना है, हमको जो मेन चीज़ पढ़नी है आपको वृषण की, ये मैं आपको पिक भेज रहा हूँ, लिख लेंगे आप। वृषण के आवरण होते हैं, आवरण मतलब जिनसे वृषण ढका होता है, तो इसके बेटा 3 आवरण है आपके, 3 आवरण होते हैं। पहला होता है आपका योनिक आवरण, यानी कि आप लिखेंगे इसे ट्यूनिका वेजिनेलिस, आप इसको बेटा अंग्रेजी में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह नाम बहुत ज़्यादा आता है, हिंदी के नाम किसी को कंफ्यूज करते हैं, ट्यूनिका वेजिनेलिस। यह क्या होता है, जो वृषण का सबसे बाहर का जो पतला आवरण होता है, बहुत पतली झिल्ली सी होती है, मतलब बहुत पतली खाल होती है, स्किन होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस, और यह वृषण के ऊपर लगा होता है, लेकिन पूरे में लगा होता, थोड़ा आधा अधूरा ही होता है, एक पतली झिल्ली से होती है। अब इसके बाद जो दूसरा आवरण है इसके नीचे, वो क्या है, ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्बुजीनिया, एल्बुजीनिया, ये क्या होता है, ये वाली किसकी बनी होती है बेटा, ये सघन श्वेत तंतुओं का बना मोटा स्तर होता है, सघन श्वेत तंतुओं से बना, क्या था मोटा, ओवरऑल तो बेटा पतला था, ये मोटा स्तर होता है। अब मोटा क्या होता है मैं बताऊँ आपको, जो आपका टेस्टी या वृषण होता है ऐसे करके, तो ये उसके अंदर जाके ऐसे कक्षक भी बनाता है, ऐसे मैंने कहा ना कि हर एक वृषण के अंदर लगभग 250 से 400 कक्ष होते हैं, जिनको हम वृषण पिंडक बोलते हैं, तो ऐसे कक्ष बन जाएंगे। तो ये कक्ष बनते किसके द्वारा है, ये जो ट्यूनिका एल्बुजीनिया है इसकी जो परत है ये वृषण के अंदर घुस जाती है, और वहाँ वृषण को कई 250 से 400 भागों में बांट देती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आप वृषण पिंडक बोलते हैं, वृषण कक्षक बोल सकते हैं। तो ट्यूनिका एल्बुजीनिया कौन सा स्तर हुआ, इस सघन श्वेत तंतुओं का एक मोटा स्तर होता है, ठीक है, और ये पूरे पूरे के पूरे वृषण पर फैला होता है।
देखो वेजिनेस तो आधे अधूरा था, लेकिन जो एल्बुजीनिया है ये पूरे पूरे वर्षण पर फैला हुआ होता है। नंबर थर्ड जो है वो है कौन सा है, ट्यूनिका। ट्यूनिका बेटा सबके नाम आएगा, ट्यूनिका सबके आगे लगाना है आपको, क्योंकि इसके आवरण को भी हम क्या कहते हैं, ट्यूनिकी कहते हैं, ट्यूनिकी, ट्यूनिकी कहते हैं। इसके तीन प्रकार, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्बुजीनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। वेस्कुलोसा यानी कि वेस्कुलर संवहनी होता है ये। तो इसमें क्या होता है, ये सबसे भीतरी हो गया, सबसे भीतरी है और कैसा महीन है, महीन माने पतला है, ये पतला है, ये पतला है, बीच वाला मोटा था, ठीक है, ये पतला है और पतला आवरण होता है। अब एक खास बात और आपको जो याद रखना है कि ट्यूनिका वेजिनेलिस और ट्यूनिका एल्बुजीनिया ये दो जो दो स्तर हैं लगातार आवरण हैं, इनके बीच में एक लिक्विड भरा होता है, नोट लिख लेंगे, नोट ऐसे लिखेंगे अपने कॉपी में कि ट्यूनिका वेजिनेलिस और ट्यूनिका एल्बुजीनिया नामक दोनों आवरणों के बीच में, दोनों आवरणों के मध्य देह गुही है, देह के अंदर कोई गुहा है, कोई खाली जगह को गुहा कहते हैं, देह गुही है, द्रव भरा होता है, द्रव भरा होता है, जो कि इसका काम क्या है, अगर कहीं बाहर से चोट लगती है आपके वृषण को तो यह उसको थोड़ा बचा सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके। मान लो देखो दो चीज़ें हैं, एक ये है और एक ये है, और इसके बीच में दीवार बन, ये दोनों आवरण बन गए, ये मान लो ट्यूनिका वेजिनेलिस है, ये ट्यूनिका एल्बुजीनिया है, और इसके बीच में क्या भर दिया, द्रव भर दिया कोई, तो बाहर से कोई चोट लगेगी तो ये द्रव उसको थोड़ा रेजिस्ट करेगा, थोड़ा उसको प्रतिरोध करेगा, तो पूरी तरीके से चोट इस पर नहीं आ पाएगी। अगर ये भिड़ा हुआ होता ऐसे करके, अब कोई इधर से चोट मारता तो पूरी चोट वृषण पर आके लगती, लेकिन जैसे इन दोनों के बीच में जगह है और जगह के बीच में क्या भरा हुआ है, वो भरा हुआ द्रव भरा हुआ है, जिसको देही गुही द्रव कहते हैं, तो चोट लगती है बाहर से तो ये पूरा उसको रोकने का काम कर, जिससे कि आपके वृषण पर पूरी तरह से चोट ना आ पाए। समझ पाए मेरी बात को? तो यही बात लिखनी है आपको कि देही को द्रव भरा होता है, जो कि वृषण को बाहरी आघातों से बचाने का काम करता है। तो ये मैं आपको बटा पिक भेज दूंगा, आप लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने अब फिलहाल में क्या पढ़ा है, हमने वृषण के सिर्फ आवरण पढ़े हैं अभी तक। क्या पढ़ा है बेटा, वृषण पढ़ा कि दो होते हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई वजन ये रंग ये होता है, हमने इसके पढ़ लिया आवरण, तीन आवरण हो गए, वेजिनेलिस एल्बुजीनिया और वेस्कुलोसा। तीनों पढ़ने के बाद में अब जो आपको आगे पढ़ना है वो पढ़ना बेटा वृषण पिंडक। वृषण पिंडक, पिंडक मैंने बताया ना आपको अभी, पिंडक क्या चीज़ है, मैंने कहा था कि जो ट्यूनिका एल्बुजीनिया जो लेयर है ये मोटी स्तर होता है और ये इसके अंदर घुस जाती है, अंदर घुसने के बाद ये कई सारे भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि पिंडकों में बढ़ जाएगा, समझे मेरी बात को? तो यही है। तो इसमें आपको अगला या तो डॉट लगा लो यहाँ पे आवरण पे, ऐसे लगा लो डॉट कोई, या नंबर ए डाल लो, ए छोटा ए, और यहाँ पर डाल लो बी, बी डाल लो यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, छोटा हेडिंग वृषण पिंडक। ये बेटा सारी रचना वृषण की चल रही है अभी, क्योंकि हम वृषण को पूरी डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो वृषण पिंडक या वृषण पिंडक लिख लेंगे आप। अब ये क्या होता है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और इसी के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको बेटा मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि आज थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, शायद अपलोड भी नहीं हो पाए, थोड़ी दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। देखो इसको हम कल पढ़ेंगे डिटेल में। देखो आज हमने क्या पढ़ा, आज आपको करना क्या है बेटा, एक तो डायग्राम बनाना है ढंग से, और कोशिश करनी है कि इस डायग्राम को रफ पे बना के देखनी है, और उसके लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी है, लेबल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम में तो आता ही आता है, आपके कॉलेज में जो एग्जाम होते हैं वहाँ भी हर बार आता है। और लेबलिंग करने, इसको नामांकित करने के बाद में आपको हेडिंग डालना था वर्षण के बारे में, वर्षण के बारे में लिखना है, और फिर आपको लिखना है उसका छोटा हेडिंग डाल के कि आवरण या वृषण आवरण लिखना है, कि भैया ये तीन प्रकार के होते हैं और इनके बारे में दो दो एक एक लाइन लिख देनी, ज़्यादा कुछ मत लिखना, ठीक है। थैंक यू।